नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता में। और आज की वीडियो में बात करेंगे ACST 10 फर्स्ट डे पई के आज के दिन के पहले और सीरीज़ के पांचवें मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा टीम मदुरई यूनाइटेड वर्सेस टीम इंटेलेक्चुअल CC के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा किस मैच के फुल एनालिसिस और फुल स्टेट्स के बारे में, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बस यही आपका एक काम है। बाकी काम मेरा है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसमें विन करना है। इसके अलावा किसी भी फाइनल अपडेट के लिए, फाइनल टीम के लिए लाइनअप टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। 7300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आप लोग भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक है जो आपको कमेंट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह आपको मैंने लिंक दे दी है। अगर लिंक वर्क ना करे तो आपको चैनल का नेम भी मैंने बता दिया और आपको कमेंट में मैंने चैनल का नेम भी दे दिया है, जिसको सर्च कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कल क्या हुआ था। मदुरई यूनाइटेड ने जो है वो अभी बॉटम यानी लास्ट पोजीशन पर है और जो और यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल टीम है ना वो टॉप पोजीशन पर है। मदुरई ने अपने दो मैचेस खेले थे, जहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ ये एक मैच जीते थे और इंटेलेक्चुअल ने अपने तीन मुकाबले खेले थे, जिसमें से ये अपने दो मुकाबले जीते थे। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जब ये दोनों टीम्स कल आमने सामने एक दूसरे के अगेंस्ट आई थी तो इंटेलेक्चुअल ने मदुरई को 5 विकेट से हरा दिया था। तो आज भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं विन करने के। इसके अलावा मैं वेदर की बात करूँ तो मैच के दौरान रेन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप चाहें तो इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विकेट की, तो आप सभी जानते हैं जो स्पोर्टिंग अल्फाज क्रिकेट क्लब है, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है जहाँ पर बैट्समैन बॉलर्स दोनों को काफ़ी हद तक मदद देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप जो भी टीम क्रिएट करेंगे वो एक बैलेंस टीम क्रिएट करेंगे। एवरेज फर्स्ट इनिंग की मैं बात करूं 104 के आसपास का रन आपको यहां पर बनता हुआ दिखेगा। जो भी टीम चेस करती है उसके 60% चांसेस होते हैं मैच विन करने के, यानी 10 में से 6 बार यहां पे वो टीम जीती है जिसने यहां पे चेस किया है। इसके अलावा दोस्तों मदुरई यूनाइटेड की मैं आपको प्लेइंग 11 के बारे में बता देता हूं। तो इनकी ओर से पहला नाम आएगा शहजाद हुसैन का, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। कल दो मैचेस खेले, पहले मैच में 7 रन, दूसरे मैच में 1 रन। कामिल अहमद राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं। कल इन्होंने भी अपने दो मैचेस खेले, पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की 3 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की 1 विकेट निकाला और 29 रन नाबाद बनाए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रिचर्ड टेडर की मैं बात करूँ, दो मैचेस खेले, दोनों मैचेस में कुछ खास परफॉर्म नहीं। नोदुल कलाम आज़ाद की मैं बात करूँ तो कल पहले मैच में उन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की 1 विकेट निकाला और 36 रन बनाए, दूसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की 2 विकेट निकाले और 25 रन बनाए। उसके बाद आते हैं रोबियुल खान, जिन्होंने कल दोनों मैचेस में 2-2 ओवर की बॉलिंग की और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की। सुखी सिंह दोनों मैचेस में इनको मौका नहीं मिला। इफ्तिफाक अहमद ने पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर भी इनको विकेट नहीं मिला। हामिद अबुल की मैं बात करूँ, दो मैचेस में किसी भी मैच में मौका नहीं मिला। जहीदुल इस्लाम ने कल दो मैचेस खेले, दोनों मैचेस में इनको अभी 2-2 ओवर की बॉलिंग दी गई पर ये भी विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छा है, किसी भी दिन अपने 2 ओवर के स्पेल में 3 से 4 विकेट निकाल के दे सकता है। रशीद अब्बासी की मैं बात करूं, दोनों मैचेस में मौका नहीं। जोबन सिंह की मैं बात करूं, पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग की 1 विकेट निकाला। तो यहां पर जो टीम रहेगी ना मदुरई यूनाइटेड, तो इनकी ओर से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे ना वो शहजाद हुसैन तो इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन कामिल अहमद इंपॉर्टेंट है, नोदुल कलाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, रोबिल खान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा नीचे जब आएंगे ना आपको यहाँ पे जहीदुल इस्लाम और जोबन सिंह, इनमें से किसी एक को पिक करना है, तो काफ़ी कम लोग जहीदुल इस्लाम को पिक करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आज इसका दिन होगा तो 2 से 4 विकेट निकाल कर देगा। इंटेलेक्चुअल की मैं बात करूँ तो इनकी ओर से पहले आएंगे साकिब सुल्तान, कल 3 मुकाबले खेले, 1 मुकाबले को छोड़ के बाकी 2 मुकाबले में काफ़ी अच्छी बैटिंग की, दोनों मैचेस में 30-30 रन बनाए। जावेद इकबाल ने देखिए कल 3 मैचेस में 54-23 रन बनाए। फुरकान अहमद ने पहले मैच में 3 रन बनाए, दूसरे मैच में मौका नहीं मिला, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की विकेट नहीं मिले पर 19 रन बनाए। चौथे नंबर पे आते हैं नदीम महमूद, इन्होंने 1 बैटिंग नहीं मिली, 18 एवरेज भी किए। जिया उल कयम 11 रन आबाद। फैजल रहमान ने पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की विकेट नहीं मिला, तीसरे मैच में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर 1 विकेट ले गए और रन नहीं बना पाए। हुसैन अकरम जो कि इनके कैप्टन है, इनका भी परफॉर्मेंस देखिए, पहले मैच में बॉलिंग नहीं की, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला, तीसरे मैच में फिर से 1 विकेट इनको मिला। हसन अस्कारी की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, मेन बॉलर है, देख सकते हैं तीनों मैचेस में बॉलिंग की विकेट निकाले। एफ़टीएम अहमद की मैं बात करूं तो पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाला, तीसरे मैच में भी 1 विकेट निकाले इन्होंने। नोमन अहमद की बात करूं तो पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में मौका नहीं मिला, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करके फिर से इन्होंने यहाँ पर विकेट नहीं मिला। तो इनकी ओर से देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे वो देखिए साकिब सुल्तान हो सकते हैं, जावेद इकबाल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पर आते हैं फैजल रहमान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसने अस्करी इंपॉर्टेंट है, हसन अकरम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं,
इश्तियात अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे और नौमद अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लीजिए दोनों टीम्स के टॉपिक्स की, तो पहला नाम आएगा अब्दुल कलाम आजाद का। राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। इन्होंने 36 रन एक विकेट निकाला था लास्ट गेम जो इन्होंने इंटेलेक्चुअल के अगेंस्ट खेला था। कामिल अहमद की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं। इन्होंने 10 रन बनाए थे और 3 विकेट निकाले थे इंटेलेक्चुअल के अगेंस्ट में। जावेद इकबाल राइट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन, इन्होंने 13 रन बनाए थे मैड्रिड यूनाइटेड के अगेंस्ट में। अब्बास तौसीफ एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं इंटेलेक्चुअल के लिए, और इन्होंने ये डक पर आउट हो गए थे लास्ट मैच में मद्रास यूनाइटेड के अगेंस्ट में। तो बात की जाए बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए क्या रहेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के, तो कैप्टन आप लोग कामिल अहमद को बना सकते हैं, अब्बास तौसीफ को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन अब्दुल कलाम आज़ाद को रख सकते हैं, या फिर आप जावेद इकबाल को बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको अभी तक वीडियो के अंदर जो भी मैंने जानकारियां दी होंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो जरूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह मेरी दी गई फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में चैनल का नहीं मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब चलते हैं ऐप की ओर, जहां पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो बात की जाए सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके सामने 2 से 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जावेद इकबाल की। दूसरी पिक है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कामिल अहमद की। प्लेयर दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे 2 विकेटकीपर के साथ जाऊँगा, क्योंकि दोनों प्लेयर्स में कोई भी प्लेयर आपके लिए बड़ा रोल निभा के जा सकते हैं, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, दोनों प्लेयर्स को अपने टीम में पिक करके चलना पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन में सुल्तान हाफिज़ इंपॉर्टेंट है, कि कलाम आज़ाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसने नकरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 मैंने मेन प्लेयर्स जो थे उनको अपनी टीम में पिक कर लिया, इसके अलावा यहाँ पर मुझे और कोई प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जिसके साथ मैं यहाँ पर मैं जा सकता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर पिक निकल के आती है आपके सामने इफ्ताक अहमद की। परफॉर्मेंस कल काफ़ी ज़्यादा एवरेज रही थी, तो मैं इनको पिक नहीं करूँगा। दूसरी पिक यहाँ पे नदीम की आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तौसीफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं इनको पिक करूँगा। बाकी नदीम को अगर आप पिक करना चाहें कर सकते हैं, कल कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छा है, मैं इसके ऊपर रिस्क नहीं लूँगा और आज के मैच में इसको मैं अपनी टीम में 100% पिक करके जाऊँगा। बॉलिंग सेक्शन में अस्करी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इफ्तियान अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आर खान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वीक आपके लिए यहाँ पर जे इस्लाम की रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग यहाँ पर जे सिंह को लेके जाएंगे क्योंकि इन्होंने कल विकेट निकाले थे, लेकिन जब आप कंपेरिजन करेंगे ना जहीदुल इस्लाम एक काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं जे सिंह के मुकाबले, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जे इस्लाम को अपनी टीम में ऐसा पिक करके जाऊँगा। अगर आप पिक करना चाहें तो जय सिंह को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी जो टीम है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर इंटेलेक्चुअल के पिक करूँ, तो इसीलिए मैंने 7 प्लेयर इनकी टीम से पिक किया और यहाँ पर मैड्रिड यूनाइटेड के सिर्फ मैंने 4 प्लेयर्स को मौका दिया है। कॉम्बिनेशन देखिए, मैंने 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। टीम प्रीव्यू देखिए, मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से जे इकबाल को रखा है और यहाँ पर मैंने के अहमद को रखा है। दोनों विकेट कीपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी ऑप्शन है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग में। इसके अलावा दोस्तों मैंने बैटिंग सेक्शन से कलाम आज़ाद को पिक करके रखा है, उसने नकरम को पिक करके रखा है, सुल्तान हाफिज़ को रखा है, तीनों प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। बाकी मैंने बॉलिंग से ऑलराउंडर सेक्शन से नदीम को रखा है एज अ डिफरेंशियल पिक के तौर पर, तौसीफ को रखा है एज अ डिफरेंशियल पिक के तौर पर। बॉलिंग सेक्शन से मैंने आर खान को रखा है, अस्करी को रखा, और यहाँ पर मैंने इफ्तियान अहमद को रखा, और यहाँ पर मैंने आई इस्लाम को रखा है। ये चारों ऑप्शन आपके पास काफ़ी बेस्ट हैं, क्योंकि ये चारों बॉलर्स जो हैं वो विकेट टेकर बॉलर है, किसी भी मैच में 2 से 3 विकेट बड़े आराम से निकाल कर आपको दे सकते हैं। तो बात की जाए आप लोग इस मुकाबले में अपनी टीम में किस प्लेयर को एज अ कैप्टन और किस प्लेयर को आप लोग एज अ वाइस कैप्टन पिक करके चलोगे, तो देखिए स्मॉल की टीम में काफ़ी लोग यहाँ पर एक कलाम को ही अपनी टीम में वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि कल इन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी थी। वाइस कैप्टन यहाँ पर काफ़ी लोग कामिल अहमद को बनाएंगे, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो टीम है ना वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे जो मदरत के प्लेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ओसिफ भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बाकी अभी के लिए मैं आपको एक सेफ टीम प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग इसमें इस टीम का यूज़ करिएगा, तो आप लोग मेरी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए।
और जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी स्मॉल की टीम को यूज़ कर सकते हैं। इसी टीम के साथ आप लोग हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, स्मॉल की कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरी दोस्तों स्मॉल की टीम रहने वाली है। बाकी दोस्तों ग्रांड लीग में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप, मैं बता देता हूँ क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए बैटिंग सेक्शन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, एक यहाँ पे पिक निकल के आती है फुरकान जमीर की, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके दे सकता है। तो आप चाहें किसी एक ऑलराउंडर जैसे नदीम को ड्रॉप करके यहाँ पे फुकरान को पिक कर लीजिए। एक आप पहला ये ग्रांड लीग का मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में तौसीफ को रखना है आपको। बॉलिंग में आप देखिए एस हुसैन भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, तो आप इनको भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए एक रिस्क शायद हो सकता है कि मैं बैटिंग सेक्शन से एक और लूँ कि यहाँ पर मैं शायद हुसैन अकरम को अपनी टीम से ड्रॉप कर दूँ, रिस्की रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप करके अपनी टीम में जय सिंह को रख लूँगा, क्योंकि आज हो सकता है कि जो यहाँ पे यूनाइटेड की टीम है वो कमबैक करे। तो इस चेंज में मेरे जो कैप्टन होंगे वो ए तौसीफ होंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पर जो मेरे होंगे वो वाइस कैप्टन देखिए मैं यहाँ पर रिवर्स कर दूंगा, ज़्यादा यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा उनकी। तो ये मैं दोस्तों रिस्की ग्रांड लीग की टीम रहने वाली है। तो जो भी भाई कहते हैं ना ग्रांड लीग की टीम दिया करो, तो उनके लिए मैंने ये जीएल टीम दी है, फुल रिस्की टीम है और ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, वन साइडेड विन करोगे आप लोग अगर जैसे मैंने सोचा अगर ये वैसा करती है तो। तो ये मेरी रिस्की जीएल टीम रहने वाली है, एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी प्रीव्यू ले लें। बाकी ये मेरी स्मॉल की टीम है, आप लोग इस टीम को यूज़ कर लेना जाके जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहें, और इसी टीम के साथ ग्रांड लीग भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरी इस टीम से अगर कोई भी प्लेयर नहीं खेलता आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होती है जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही विन करते रहें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।